नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम में स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सॉयल टैक्सोनॉमी एंड सॉयल इन इंडिया। तो सबसे पहले मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो सॉयल क्लासिफिकेशन का है, उसमें आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन है और जेनेटिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो आप द फिजिकल नेचर ऑफ द सॉयल के आधार पर है, जैसे सैंड, क्ले और लोम हुआ। और इस सॉयल क्लासिफिकेशन का काफ़ी इम्पॉर्टेंट नहीं है, अर्थात इसका कोई इम्पॉर्टेंस नहीं है, इसका लिमिटेड यूज है। तो इसके बारे में कम्पिटेटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसके बाद जेनेटिकल क्लासिफिकेशन आता है, ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। और जेनेटिकल अर्थात पेरेंट मटेरियल, अर्थात सवाल जो जिस पेरेंट मटेरियल का बना होता है वो आपका जेनेटिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद यूएस जो कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल डिपार्टमेंट था, उसने जो है सॉइल को क्लासिफाइड किया था उसके नेचर ऑफ बॉडी, अर्थात उसके पेरेंटल नेचर के आधार पे, और दो और फीचर उसने जोड़े थे जो कि 1975 में। वो फर्स्ट जो था वो था क्लासेज ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, अर्थात जो सॉइल का क्लासिफिकेशन था वो उसके सॉइल के प्रॉपर्टी के था, सॉइल के गुण के आधार पे था, ना कि उसकी ओरिजिन के आधार पे। और सेकंड नंबर था यूनिक नॉमिनिक्लेचर सिस्टम, अर्थात यूएस जो सॉइल डिपार्टमेंट था उसने जब सॉइल का क्लासिफिकेशन किया तो एक यूनिक नॉमिनिक्लेचर सिस्टम अडॉप्ट किया। नॉमिनिक्लेचर जैसे कि जो होता है नामनीकरण होता है, सॉइल का नामनीकरण हो या आपका किसी प्लांट का नामनीकरण, तो उसके नामनीकरण के आधार पर यह है जो अडॉप्ट किया था। तो उसमें सिक्स भाग में डिवाइड किया था। सबसे पहले ऑर्डर होता है, उसके बाद सब ऑर्डर होता है, फिर ग्रेट ऑर्डर हुआ, सब ग्रुप हुआ, ग्रेट ग्रुप हुआ, सब ग्रुप हुआ, फैमिली हुआ और सीरीज हुआ। ये छह भागों में डिवाइड किया था। तो ये काफ़ी बार पूछ दिया जाता है कम्पिटेटिव एग्जाम में। तो उसमें जो डिवाइड किया यूएस सॉइल क्लासिफिकेशन के आधार पे, तो उसमें ऑर्डर के आधार पे डिवाइड किया था सॉइल को। और उसमें जो कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं ये हैं इनसेप्टी सॉइल या इनसेप्टी सोल्स। तो इनसेप्टी सोल्स जो होता है वो इम्ब्रियोनिक सॉइल बोला जाता है, जो अभी नया सॉइल जो अभी बन रहा है, अर्थात इम्ब्रियोनिक अर्थात भ्रूण इसको। तो जो अभी सॉइल बनता है, अर्थात आपका फॉरेस्ट एरिया हुआ, फॉरेस्ट एरिया में जो पत्तियां गिरती हैं तो उसके बाद जो उसका सड़ने की वजह से जो काली नुमा मिट्टी दिखाई पड़ती है, तो वो आपका क्या बोला जाएगा, इनसेप्टी सोल्स, अर्थात वो इम्ब्रियोनिक सॉइल होती है। और ये फाउंड इन ह्यूमिड रीजन, अर्थात जहाँ नमी ज़्यादा पाई जाती है, बरसात जब ज़्यादा होती है तो वहाँ जो है पत्तियाँ पौधों की जब गिरती हैं तो वहाँ देख मिट्टी जो होती है वो काली हो जाती है, देखने में दिखाई पड़ता है कि मिट्टी वहाँ की काफ़ी काली होती है। तो वो आपका क्या हो गया, इम्ब्रियोनिक सॉइल। और ये पूछा जाता है फर्स्ट स्टेज ऑफ सॉइल, तो ये आपका क्या हो जाता है, इम्ब्रियोनिक सॉइल। उसके बाद इंटीसोल्स होता है, इंटीसोल्स जो हो गया वो रिसेंटली फॉर्मड सॉइल होती हैं, और ये लिटिल प्रोफाइल डेवलप, अर्थात इनके जो प्रोफाइल होता है वो थोड़ा डेवलप हो जाता है, ये इंटीसोल्स हो गया। उसके बाद थर्ड जो सॉइल का ऑर्डर है वो हिस्टोसोल्स है। हिस्टोसोल्स जो होता है वो ऑर्गेनिक सॉइल बोला जाता है, काफ़ी बार कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है। ये इनसेप्टिसोल्स अर्थात इम्ब्रियोनिक सॉइल हो गया, इंटीसोल्स रिसेंटली फॉर्मेड जो सॉइल होता है वो आपका इंटीसोल्स के अंतर्गत आता है, और हिस्टोसोल्स जो होता है वो ऑर्गेनिक सॉइल है। ऑर्गेनिक सॉइल का ये दूसरा नाम जो होता है हिस्टोसोल्स है, और इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो 20% तक पाया जाता है। उसके बाद फोर्थ जो होता है वो स्पोडोसोल्स हुआ, अर्थात इसको वुड एश, ये वुड एश का बना हुआ लगता है, वुड एश जैसा होता है उस तरीके का ये सॉइल दिखाई पड़ता है। ये चार फोर्थ हो गया। उसके बाद ऑक्सीसोल्स हुआ, ऑक्सीसोल्स को हम एसिडिक सॉइल बोलते हैं, और ये भी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, कॉमन नेम ऑक्सीसोइल, अर्थात इसको एसिडिक सॉइल बोला जाता है। और ये सिकोसाइट, रिच इन सिकोसाइट्स, इसमें रिच मात्रा में पाई जाती है, अर्थात एसिडिक सॉइल में इसकी अधिकता पाई जाती है। उसके बाद सबसे कॉमन, ये काफ़ी बार कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है, वॉल्टीसोल्स। वॉल्टीसोल्स को जो एक कॉमन नेम होता है उसको ब्लैक सॉइल, अर्थात जो ब्लैक सॉइल होता है, ब्लैक सॉइल को रेगुड सॉइल या कॉटन सॉइल जो भी आएगा, तो ब्लैक सॉइल को जो है रेगुड सॉइल बोला जाता है, और काफ़ी बार कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है, या कॉटन सॉइल।
इसका जो होता है इस बॉल्टिस होल्स के अंतर्गत आता है, और इसका सबसे बड़ा सिम्टम ये होता है जो ब्लैक सॉयल होता है वो क्रैक पाया जाता है, जब मॉइस्चर की कमी हो जाती है तो इसमें क्रैक पड़ जाते हैं, और इसकी एक श्रिंकिंग एंड सेवलिंग अर्थात इसमें सिकुड़न ये फूलता है, ये मृदा नमी पाने पे फूल जाती है, और अगर जब पानी की कमी हो जाती है तो अर्थात सिकुड़ जाती है, और जिससे उसमें क्रैक बन जाते हैं। तो ये काफ़ी बार पूछा गया है कम्पिटेटिव एग्जाम में वॉल्टिस वॉल्स सोल्स। उसके बाद एल्डी सोल अर्थात एडिड सॉइल, जहाँ एडिड रीजन में जो मृदा बनती है वो एडिड सोल्स हो गई। उसके बाद अल्टी सोल्स अर्थात फॉरेस्ट सॉइल के जो है वो अल्टी सोल्स कहा जाता है, और मैली सोल्स हुआ। उसके बाद एल्फी सोल्स हुआ, एल्फी सोल्स जो होता है वो स्लाइटली एसिडिक होती है, और ये क्ले जो होता है इनरिच इन बी हॉरिजन। उसके बाद ये जो है 11th और ये 12th, ये अभी रिसेंटली में ऐड किया गया है और कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इंडो सोल्स अर्थात वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन से जो मृदा बनती है उसको क्या बोला जाता है, इंडो सोल्स। और जीले सोल्स अर्थात फाउंड इन आर्कटिक रीजन, जैसे कि आपका ये आर्कटिक रीजन जो होता है वहाँ पे जो सोल्स बनती है ये है। उसके बाद अब नंबर आता है सॉयल इन इंडिया, तो IRI अर्थात इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो 27 टाइप में डिवाइड की है सॉइल। इंडिया में जो सॉइल पाई जाती है वो IRI ने 27 टाइप में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, टेक्सचर, मिनरल मैटर एंड कैपेसिटी ऑफ मॉइस्चर, अर्थात इन सब कैरेक्टर के आधार पर IRI ने 27 टाइप में डिवाइड किया है। तो मेजर जो हैं वो 11 टाइप के हैं जिनका हम डिस्कशन करेंगे, और ये कम्पिटेटिव एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है आपका एलुवियल सॉइल, और एलुवियल सॉइल जो होता है वो 45% एरिया कवर करता है। सबसे ज़्यादा इंडिया में जो सॉइल पाई जाती है वो आपकी क्या है, एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मृदा इसको बोला जाता है। ये 45% एरिया और नॉर्थन रीजन ऑफ इंडिया अर्थात ये नॉर्थ रीजन जो इंडिया का है, इंडो गंगेट्रिक प्लेन जो है वो जो है आपका एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। और एलुवियल सॉइल को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, खादर और भंगार, अर्थात जो न्यूअर एलुवियल सॉइल है वो खादर बोल जाएगी, और भंगार अर्थात जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है। और एलुवियल सॉइल में नाइट्रोजन हुआ, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, ऑर्गेनिक मैटर की कमी पाई जाती है, तो ये भी काफ़ी बार कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और उसके बाद एलुवियल सॉइल जो होता है सबसे ज़्यादा इंडिया में जो कल्टिवेटेड सॉइल है ये भी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा जो कल्टिवेटेड सॉइल है इंडिया में वो आपकी क्या है, एलुवियल सॉइल अर्थात जलोढ़ मृदा, और इसमें सबसे बढ़िया वीट हुआ, शुगर केन हुआ, ऑयल सीड हुआ, पल्स हुआ, ये सब क्रॉप ग्रो की जाते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर आता है रेगुड सॉइल या ब्लैक सॉइल, और काफ़ी कॉमन ये रेगुड सॉइल, इसका ये भी पूछ दिया जाता है कि ब्लैक सॉइल को क्या बोला जाता है, तो इसको रेगुड सॉइल बोला जाता है प्लस वल्टी सोल्स। और ब्लैक सॉइल जैसे कि आपका ये डेक्कन ट्रैप हुआ अर्थात महाराष्ट्र हुआ, तो महाराष्ट्र रीजन जो है और MP का वेस्टर्न रीजन जो होता है वहाँ ब्लैक सॉइल मोस्टली पाई जाती है, और ये सूटेबल फॉर कॉटन, कॉटन का जो कल्टीवेशन होता है वो ब्लैक सॉइल में होता है, तो काफ़ी बार कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको कॉटन सॉइल के रूप में भी जाना जाता है, और इसमें क्रैक पड़ जाते हैं जब मॉइस्चर की कमी होती है मृदा में, तो इसमें क्रैक पड़ जाते हैं, श्रिंकिंग एंड सेवलिंग टाइप प्रॉपर्टीज इस सॉइल में पाई जाती है, और साथ ही साथ इसमें जो है रिच मात्रा में आपके कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, इनकी मात्रा काफ़ी अधिक पाई जाती है, और कंपेयर टू ये आपका N हुआ, P हुआ अर्थात नाइट्रोजन और फास्फोरस और ऑर्गेनिक मैन्योर की मात्रा ब्लैक सॉइल में काफ़ी कम पाई जाती है। उसके बाद थर्ड जो आता है वो रेड सॉइल हुआ, ये भी काफ़ी बार कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है। रेड सॉइल जो सबसे पहले मैक्सिमम पाई जाती है वो तमिलनाडु में पाई जाती है, तमिलनाडु स्टेट जो है हाईएस्ट कवर रेड सॉइल, और उसके बाद जो है यूपी में भी पूछा जाता है कि यूपी में मिर्ज़ापुर, झांसी और ललितपुर डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये रेड सॉइल जो है यूपी में यहाँ पाया जाता है। तो ये भी काफ़ी बार अगर यूपी के आप हैं, यूपी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम दे रहे हैं यूपी से रिलेटेड, तो वहाँ ये पूछ लिया जाता है कि यूपी में कहाँ रेड सॉइल पाई जाती है, तो आपका है मिर्ज़ापुर हुआ, झांसी हुआ, ललितपुर, और अगर इंडिया की बात की जाएगी तो तमिलनाडु स्टेट जो है हाईएस्ट कवर करता है रेड सॉइल। इसके अलावा आपका आंध्र प्रदेश हुआ, कर्नाटका हुआ, उड़ीसा हुआ, यहाँ भी रेड सॉइल पाई जाती हैं। और रेड सॉइल किसके कारण होता है ये भी काफ़ी बार कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया था, जैसे फूड सेफ्टी ऑप्शन में पूछा गया था। तो रेड सॉइल जो होता है वो
आपका जो होता है आयरन ऑक्साइड। रेड सॉइल जो बनता है मृदा रेड, वो आयरन ऑक्साइड की वजह से होती है। और ये फूड सेफ्टी नहीं, ये पूछा गया था IBPCFO 2012 करीब, हमें जो याद है उसमें ये पूछा गया था कि रेड सॉइल जो बनती है मृदा की वो किसके कारण बनती है। तो रेड सॉइल जो बनती है वो आपकी आयरन ऑक्साइड के कारण। और रेड सॉइल में जो है NP अर्थात ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की डिफिशेंसी पाई जाती है, लेकिन पोटेशियम अर्थात पोटास और लाइम अर्थात चूना की मात्रा जो है वो अधिक होती है रेड सॉइल में। और रेड सॉइल इज सुटेबल फॉर शुगर केन हुआ, आपका ऑयल सीड हुआ, ग्राम हुआ, पल्स हुआ, इनके लिए ये सुटेबल होती है। और इस सॉइल को आपका रेड सॉइल जो होता है उसको गार्डन लैंड भी बोला जाता है, गार्डन सॉइल भी बोला जाता है, या हंग्री एंड थ्रस्टी अर्थात भूखी और प्यासी मृदा के नाम से भी रेड सॉइल को जाना जाता है। इसके बाद फोर्थ नंबर पर आता है लेटराइट सॉइल। तो ये लेटराइट सॉइल जो है वो आपका सबसे ज़्यादा तो माउंटेन एरिया में, जहाँ माउंटेन अर्थात हिली एरिया में इस तरीके के सॉइल पाए जाते हैं, जैसे आपका विंध्याचल हुआ या पेनिनसुला हुआ या ईस्टर्न घाट हुआ। ईस्टर्न घाट जो रीजन है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है, वहाँ लेटराइट सॉइल पाई जाती है। और ये सूटेबल होती है जैसे आपका आसाम हुआ, तो यहाँ या कर्नाटका रीजन में जो होता है पेनिनसुलर रीजन, वहाँ ये लेटराइट सॉइल पाई जाती है। और ये काफ़ी बार कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, टी और काफ़ी के लिए, टी और काफ़ी के लिए जो है वो सूटेबल सॉइल होती है आपकी लेटराइट सॉइल। तो इसका ये ब्रिक अर्थात जो आपका होता है ब्रिक की कलर की दिखाई पड़ती है, अर्थात ईंटेनुमा ये दिखाई पड़ता है, रेड ब्रिक कलर की। उसके बाद डेजर्ट सॉइल अर्थात डेजर्ट अर्थात ये राजस्थान में डेजर्ट रीजन में पाई जाती है, राजस्थान में काफ़ी मात्रा में पाई जाती है डेजर्ट सॉइल। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एरिया आपका राजस्थान कवर करता है। उसके बाद नंबर आता है सैलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल। तो सैलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल जो होता है वो आपका गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, इन सब एरिया में काफ़ी ज़्यादा अल्कलाइन और सैलाइन सॉइल पाया जाता है। यूपी भी काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करता है आपका सैलाइन अल्कलाइन का। और ऑल इंडिया में जो है 10 मिलियन हेक्टेयर लगभग अल्कलाइन सॉइल है, और 7.25 मिलियन हेक्टेयर जो है वो सैलाइन सॉइल पाई जाती है। उसके बाद पीटी एंड मार्सी सॉइल हुआ, तराई सॉइल हुआ, उसके अलावा और भी हैं, एल्पाइन हुआ या ग्लेशियल टाइप का हुआ, माउंटेन फॉरेस्ट हुआ। तो ये सब सॉइल के क्लासिफिकेशन हैं, जो सॉइल के टाइप हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं। तो इसमें जो मेजर आपका हुआ, ब्लैक सॉइल हुआ, रेड सॉइल हुआ, एल्यूवियल सॉइल हुआ, तो ये सब काफ़ी बार कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेड सॉइल सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में हुआ पाया जाता है। और उसके अलावा रेड कलर किसके कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यूपी में जो हुआ, मिर्ज़ापुर हुआ, झांसी हुआ। उसके बाद ब्लैक सॉइल जो होता है, रेगुड़ सॉइल कहते हैं, ब्लैक सॉइल या वर्टी सोल्स कहते हैं, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो आपका महाराष्ट्र हो गया। इसको काटन सॉइल भी बोला जाता है क्योंकि काटन के कल्टीवेशन के लिए काफ़ी सुटेबल होता है। एल्यूवियल सॉइल हुआ, एल्यूवियल सॉइल जो होता है मैक्सिमम एरिया जो है आपका इंडिया का जो सॉइल कवर करती है, वो 45% एरिया वो एल्यूवियल सॉइल कवर करती है, तो ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। उसके अलावा ये एन और पी और ह्यूमस की मात्रा इसमें काफ़ी कम पाई जाती है, तो ये भी काफ़ी बार कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो एल्यूवियल सॉइल हो गया। उसके बाद आपका ये जो है एरिडिक सॉइल क्या होता है, ये भी जो बताया गया है, ये काफ़ी बार कम्पिटेटिव, ऑक्सी सॉइल हुआ, इसको एसिडिक सॉइल बोलते हैं, तो ये भी काफ़ी बार कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं इन तरीके के क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारा जो चैनल है स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक भी वीडियो शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है कमेंट करें। धन्यवाद।